आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Which one of the following is non-reducing sugar? Glucose, maltose and sucrose. तो जो हमारी non-reducing sugar होती है उसमें हमारा कोई भी free ketone या aldehyde group present नहीं होता। अगर हम glucose में देखें तो इसमें हमारा aldehyde group present होता है। So, non-reducing sugar do not have free ketone or aldehyde group. और जो ये हमारी शुगर होती हैं इनमें हमारा एसिटल ग्रुप प्रेजेंट होता है हेमी एसिटल की जगह। और जो ये एसिटल ग्रुप होता है इसमें क्या होता है, जो ये ओ आर ग्रुप होता है इसमें हमारा एक तरफ आर ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक तरफ हमारा एच ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो दी शुगर हैव एसिटल इन प्लेस ऑफ हेमी एसिटल। और जो ये एसिटल ग्रुप होता है इसमें हमारा एक तरफ आर ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक तरफ एच ग्रुप प्रेजेंट होता है। एन एसिटल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ टू ओ आर ग्रुप, वन आर एंड एच ग्रुप। अगर मैं सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाऊं तो जो मेरा सुक्रोज का स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा। तो जो ये हमारा लिंकेज है इस लिंकेज को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और जो ये है इसको हम बोलते हैं एसिटल ग्रुप। ये है मेरा एसिटल ग्रुप, ये मेरा सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, ये मेरा सुक्रोज का स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो ये बॉन्ड है ये मेरा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है और ये मेरे एसिटल ग्रुप है। जो ये मेरी रिड्यूसिंग ग्रुप होता है जो मेरा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, ये मेरा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म करने में इन्वॉल्व करता है, जिसकी वजह से जो मेरी सुक्रोज है वो एक मेरी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज are involved in glycosidic bond formation. So, sucrose is non-reducing. क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।